हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की डार्क टोन फोटो एडिटिंग जो कि यार देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, यह है बिफोर और इसको हमने एडिट करके कुछ इस टाइप से बनाया है तो काफी बढ़िया लग रही है। अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से एडिट करना चाहते हो तो बस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फोटो को लाइट रूम में ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि फोटो एक साइज में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को सबसे पहले तो यहाँ से अनलॉक पर क्लिक करेंगे और कुछ इस टाइप से हम क्रॉप करेंगे, कुछ इतना सा रखेंगे और फिर यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। कुछ इस टाइप से कर लेने के बाद अब हमें आना है यहाँ से नीचे लाइट्स में और सबसे पहले फोटो की लाइट एडजस्टमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ब्लैक्स को कुछ इस टाइप से इंक्रीज करेंगे और वाइट्स को हल्का सा कम, कुछ इस तरीके से, और इसकी शेडो को कुछ इस टाइप से इंक्रीज और यहाँ से हाईलाइट को हम कुछ इस टाइप से हल्का सा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट हमें कुछ इस टाइप से 6 इंक्रीज कर लेना है और एक्सपोजर को हमें कुछ इस टाइप से 10% आपको इंक्रीज कर लेना है। और फिर आ जाना है आपको यहाँ से नीचे कलर्स में और यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इसके वाइब्रेंस को कुछ इस टाइप से इंक्रीज करना है और सेचुरेशन को हमें कुछ इस टाइप से हल्का सा इंक्रीज और टिंट को हमें कुछ इस टाइप से करना है माइनस की तरफ। और फिर आपको आना है यहाँ से मिक्स में और जो रेड कलर है उसकी सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से आएंगे इस ऑरेंज कलर में, ये स्किन कलर होता है तो स्किन का टोन एडजस्ट करनी है, तो इसके लिए हम इसकी सेचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे क्योंकि सेचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, कुछ इस टाइप से कम करेंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को कुछ इस टाइप से इंक्रीज करेंगे हल्का सा। और फिर आते हैं हम येलो कलर में और इसकी सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से बिल्कुल कम, और फिर आते हैं हम यहाँ से ग्रीन कलर में, इसकी सेचुरेशन को भी बिल्कुल कम और ल्यूमिनेंस को हम कुछ इस टाइप से माइनस करेंगे, और येलो कलर की भी हम ल्यूमिनेंस को कुछ इस टाइप से हल्का सा माइनस कर लेंगे। और फिर जो बाकी सभी कलर है उनकी सेचुरेशन को आपको कुछ इस टाइप से कम कर लेना है, कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। और फिर आ जाना है आपको यहाँ से कलर ग्रेडियंट में, और इसमें आने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, कुछ इस टाइप से ब्लू टोन ऐड करनी है, उसकी अमाउंट को हम रखेंगे कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को कुछ इस टाइप से हल्का सा माइनस, और ब्लेंडिंग को हम कुछ इस तरीके से 50 करेंगे और इसको हम रखेंगे कुछ इस तरीके से हल्का सा माइनस की तरफ, कुछ इस टाइप से 6। और फिर आते हैं इस वाले में और इसमें हमें थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन टोन ऐड करनी है कुछ इस टाइप से, और उसकी अमाउंट को हम रखेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर आते हैं इस वाले में और इसमें हमें देख लेना है, तो हम ये वाली रखेंगे और इसकी अमाउंट को हम करेंगे कुछ इस तरीके से कम, और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। और फिर आ जाना है आपको यहाँ से नीचे इस वाले टूल में और यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेनी है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल इंक्रीज करनी है कुछ इस टाइप से, और इसके विग्नेट को कुछ इस तरीके से हम कम करेंगे कुछ इस टाइप से, और हल्का सा डीएज इंक्रीज, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके राउंडनेस को हम देखेंगे तो मैं कुछ इस टाइप से इंक्रीज करूँगा। और फिर आते हैं यहाँ से नीचे और यहाँ से आपको हल्की सी शार्पनेस ऐड करनी है। इतना कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर आना है इस मास्किंग वाले टूल में और यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ हमें एक लाइट ऐड करनी है फॉग टाइप की, तो कुछ इस तरीके से हम ब्रश को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हमें ब्रश को ड्रॉ कर लेना है जहाँ जहाँ हमें लाइट ऐड करनी है कुछ इस टाइप से। और फिर आपको आना है यहाँ से लाइट्स में और इसके एक्सपोजर को हमें कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेना है जितनी आपको लाइट्स चाहिए, तो हमें कुछ इस टाइप से चाहिए तो इतना सा करेंगे। और फिर हमें क्या करना है, अगेन इस पर क्लिक करना है, यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है और इसी ब्रश को आपको दोबारा लेना है और कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ डार्क करना है वहाँ वहाँ हमें कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ से लाइट्स पर क्लिक करना है और इसके एक्सपोजर को हमें कुछ इस तरीके से ज़्यादा नहीं कुछ इतना सा हल्का सा कम करना है और इसकी क्लैरिटी आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेनी है। और फिर आपको अगेन इस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है ये लीनियर ग्रेडियंट वाला और इसको नीचे से ले लेना और इसका भी आपको एक्सपोजर कुछ इस टाइप से कम करना है और यहाँ से इसकी क्लैरिटी कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेनी है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। देख सकते हो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
मैं आपको पहले दिखाऊं, ये है बिफोर और इसको हमने एडिट करके कुछ इस टाइप से बनाया है, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। सेव करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है।